बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये जो पेयर आपके पास लीनियर इक्वेशंस के हैं उसमें से आपको बताना है कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाई ए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज़ करके। तो देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे इसमें हमें क्या निकालना है, पहले ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो a1 हमारे पास क्या है, क्योंकि x का कॉफिशेंट कुछ नहीं है, मैंने बताया जब भी उसका कॉफिशेंट कुछ नहीं होता तो हम 1 मानेंगे। a1 हमारे पास 1 है, b1 y का कॉफिशेंट 3 है और साथ में माइनस होता है तो आपको माइनस लगाना ज़रूरी है। तो b1 आपके पास माइनस 3 हो गया और c1 आ गया तो वो भी माइनस 3 है। अब देखिए a2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के a1 b1 c1। अब a2 हम सेकंड इक्वेशन में से लेंगे, तो a2 है हमारे पास 3, b2 है हमारा माइनस का 9 और c2 है माइनस का 2। अब हम इनके देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन है। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, a1 अपॉन में a2 हम निकालते हैं, तो a1 अपॉन a2 हमारा 1 अपॉन 3 है। फिर b1 अपॉन में b2 निकालेंगे तो माइनस 3 अपॉन में माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3 हो गया ये भी हमारे पास। अब हम देखते हैं c1 अपॉन में c2, तो माइनस 3 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 3 अपॉन 2। तो देखिए बच्चे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम है, c1 c2 की वैल्यू यहाँ से अलग है। तो इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इट मीन्स ये क्या है, इट इज़ ए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है अगर ये नो सॉल्यूशन होगा तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक छोड़ देना, आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। तो इसका सेकंड पार्ट बच्चे देखे थे, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन है, तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू y के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है तो 1। इसको बच्चे आप एक और काम कर लीजिए, क्योंकि इक्वल टू के बाद है हमारा तो हमें इक्वल टू के इस तरफ लाना होगा इनको, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में y, 5 इधर आएगा इक्वल टू के तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x प्लस में 2y, 8 इक्वल टू के इस तरफ है, इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 1 है और यहाँ से c1 माइनस 5। अब a2 निकाल लेते हैं, तो a2 हमारे पास 3 है, यहाँ से b2 हमारे पास 2 है और c2 क्योंकि 8 है उसके साथ माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे, तो a1 अपॉन में a2 तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 3, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यही रहेगा। अब देखिए b1 अपॉन में b2, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 2। देखिए बच्चे a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 हाफ है, तो यही दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों आपके इक्वल नहीं होते इट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब ये होगा तो इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी इसने इन्होंने क्या बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं इसको, b1 c1 तो b c फिर वापस से चलेंगे हम, जैसे होता है ना कि a b c फिर वापस से a आ गया, तो इस तरीके से b c और हमें बीच से स्टार्ट करना होता है, b1 c1 फिर यहाँ पर a1 वापस से b1, b1 से स्टार्ट होगा b1 पे ख़त्म होगा। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इतने नंबर भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए पहले ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लिख ले, इसका हो जाएगा ये b2 c2 a2 और ये यहाँ पर b2।
अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बी वन बच्चे हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए बी वन वो हमारा वन है, वो मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बी वन इज़ इक्वल टू वन है, तो बी वन की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो बी वन वन, फिर उसके बाद सी वन हमारे पास है माइनस फाइव, फिर उसके बाद ए वन हमारे पास है टू, और फिर बी वन वन। फिर अब इनकी वैल्यू बी टू की, बी टू हमारे पास है टू, और सी टू है माइनस का एट, और ए टू है थ्री, और वापस से बी टू टू। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स अपॉन में वाई अपॉन में और यहाँ पर वन होल अपॉन में। तो बच्चे देखिए हम ना, आप देखो अपने हैंड को ऐसे लेके चलोगे, वन मल्टीपल एट, यहाँ से ऐसे ही ये हो गया, यहीं से ऐसे सीधे जाओ, और फिर ये ऐसे, इनको आपको ऐसे मल्टीपल करना है। तो वन एट जा एट, और माइनस का है तो माइनस का एट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन मल्टीपल में माइनस एट। ठीक है बच्चे, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया। अब बीच में बाकी दोनों मल्टीपल करने से पहले हमें यहाँ पे माइनस लगाना है, तो अब टू मल्टीपल में माइनस फाइव। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये हमारा एक्स का, एक्स के नीचे आपको लिखना है। यहाँ से वापस ऐसे ही चलते हैं जैसे हम पहले चले थे, यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से जाएंगे इसके पास, और यहाँ से फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए माइनस फाइव मल्टीपल में थ्री, तो माइनस फाइव मल्टीपल में थ्री, और मैंने कहा था कि ये जब आप यहाँ नीचे से लिखोगे तो बीच में माइनस हो जाता है, तो अब माइनस एट मल्टीपल में टू। ठीक है बच्चे, अब देखिए वन के नीचे हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर माइनस करके इनका मल्टीप्लिकेशन, तो टू मल्टीपल में टू माइनस थ्री मल्टीपल में वन। ठीक है बच्चे, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन में एट वन जा, तो माइनस का एट, और ये माइनस, जब भी दो माइनस आपस में मल्टीपल होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। फाइव टू जा टेन इज इक्वल टू वाई अपॉन में माइनस फाइव और मल्टीपल में थ्री, तो माइनस में फिफ्टीन, और माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, एट टू जा सिक्सटीन, यहाँ से वन अपॉन में टू टू जा फोर, माइनस में थ्री वन जा थ्री। अब बच्चे देखिए जो एक्स वाई और इनकी वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस एट प्लस टेन तो अपॉन में टू, वाई माइनस फिफ्टीन प्लस में सिक्सटीन तो वन इज इक्वल टू वन अपॉन में फोर माइनस थ्री तो वन। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दें, एक्स अपॉन में टू, वाई अपॉन में वन, और यहाँ पर है वन अपॉन में वन। देखिए बच्चे यही वैल्यू थी, एक्स अपॉन में टू, वाई अपॉन में वन, और वन अपॉन में वन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक वेरिएबल को विदाउट वेरिएबल वाले के साथ इक्वल, क्योंकि तीनों चीज़ आपस में इक्वल हैं, हम ले लेते हैं x अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन में वन। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीपल में वन, और यहाँ से टू मल्टीपल में वन, तो एक्स वन जा एक्स, टू वन जा टू, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब इसी तरीके से यहाँ से हम इनको इक्वल ले लेते हैं, y अपॉन में वन इज इक्वल टू वन अपॉन में वन, दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, y मल्टीपल में वन, और यहाँ पर वन मल्टीपल में वन, y वन जा y और इज इक्वल टू वन मल्टीपल में वन, तो वन। अब आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो यही इसका आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।